हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ एक और शानदार वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पोको M2 Pro में फोटोज़, वीडियोस, नोट्स, डॉक्यूमेंट को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल की गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपको फ़ोटो सेलेक्ट करने हैं जो आप हाइड करना चाहते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड टू एल्बम पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपके सामने सेकंड नंबर पर प्राइवेट एल्बम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्राइवेट एल्बम पर क्लिक करोगे, ये कन्फर्म करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर आपको ओके पर टैप करना है। ओके पर टैप करने के बाद यह आपको एक नया पैटर्न क्रिएट करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर आप जो पैटर्न क्रिएट करोगे उसी की मदद से आप हाइड किए गए फोटोज़ को देख सकते हो। एक बार फिर आपको वही पैटर्न एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा। यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लिख कर आएगा MI अकाउंट एडेड सक्सेसफुली। अब आपके फ़ोटोज़ हाइड हो चुके हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप हाइड किए गए फ़ोटोज़ को कैसे देख सकते हैं। इसके लिए आपको बैक जाना है, एल्बम पर क्लिक करना है। एल्बम पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद आपको पैटर्न एंटर करना है। जो भी फ़ोटो आपने हाइड किए थे यहाँ आप वो देख सकते हो। यदि आप इन फोटोज़ को फिर से गैलरी में ले जाना चाहते हो या अनहाइड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको फिर से फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करना है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको रिमूव फ्रॉम हाइड पर क्लिक करना है। रिमूव फ्रॉम हाइड पर क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो फोल्डर सेलेक्ट करने हैं जहाँ पर आप फ़ोटोज़ को फिर से पेस्ट करना चाहते हो। इतना करने के बाद दोस्तों आपको आपके फ़ोटोज़ फिर से गैलरी में दिखने लगेंगे। दोस्तों मेरे 900 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, मुझे 100 और सब्सक्राइबर की ज़रूरत है अपने चैनल को मोनेटाइजिंग के लिए भेजने के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं पोको M2 Pro पर और भी वीडियोस लाता रहूँगा। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं।